हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल का डोसा, जिसके लिए हम चावल लेंगे, उसको इसमें मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और दाल भी थोड़ी देर के लिए भिगो कर हम रख देंगे। उड़द की दाल, इसको हम पीस के फिर एक मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक वगैरह, धनिया वगैरह सब डालेंगे। और इसमें एक कटोरी आटा भी हम इसको इसमें मिला के इसको कम से कम 20 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट करके रखेंगे। फिर हमने एक पेज भगोने में 2 टमाटर, 1 प्याज और कड़ी पत्ता वगैरह डाल के हम इसको पीसेंगे। इसकी हम चटनी बनाएंगे। आलू छीलेंगे, उबले हुए आलू लेंगे 3, और इसका हम एक मसाला तैयार करेंगे जो हम उसमें डोसे में यूज करेंगे। इसमें थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसमें हरी मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च, ये सब हम अपने स्वाद के अकॉर्डिंग मिर्चे से मिक्स करेंगे। अब इसे हम उबले हुए आलू को मैश करके हम इसमें डालेंगे और इसको चलाएंगे, भूनेंगे, इसको तैयार करेंगे। हमारा मिक्सर तैयार है आलू का भरता। अब इसी को हम अब एक तवा रखेंगे, इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे। बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा लेकिन फिर हम इसको फैलाएंगे। इसको फैलाएंगे। चाहे तो आप चम्मच की सहायता से कर लीजिए, चाहे हाथ से, जैसे भी डोसा फैले। इसको थोड़ी देर के लिए हम इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। फिर हम देखेंगे कि वो हमारा फूल जाएगा, फिर हम कसा तेल लगाएंगे, इसको फिर से कवर करेंगे। अब इसको चेक करेंगे, फिर देखिए हल्के हल्के से करेंगे तो ये निकल जाता है। और इसको हम पलट देंगे, इसको फिर थोड़ा सा हम सेकेंगे। और ये देखिए हमारा डोसा सीखे तैयार है। अब इसे हम आलू भर के मिक्सर इसको थोड़ा सा और सेकेंगे तवे पर। ये हमारा आलू वाला डोसा तैयार है चावल के आटे का। अब हम इसको एक प्लेन भी बनाएंगे, प्लेन डोसा एक और हम तैयार करेंगे। ये हम बिना आलू का बनाएंगे, हम दोनों तरह का ही बनाएंगे। इसको हल्के से इसका चूल्हा से हम खोलेंगे, इसको निकालेंगे और इसको हम पलट देंगे धीरे धीरे। पलट दिया, अब इसको सेकेंगे। ये देखिए मेरा प्लेन डोसा तैयार है, साथ में चटनी भी है और आलू का भरता भी है, सब्जी।